देश में कोरोना संक्रमण फैलने के बाद से समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा है। ऐसे में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत विभिन्न योजनाएं ऐसे गरीब व जरूरतमंद परिवारों की सहायता के लिए वरदान बनकर सामने आई हैं। प्रदेश के सोलन जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को 2,000 रुपए की 3 किश्तें मिल चुकी हैं। किसानों ने बताया कि इस राशि से उन्हें बीज व अन्य उपकरण खरीदने में मदद मिली है। इस लॉकडाउन के दौरान मुझे 6,000 मिला है, जिससे मैंने मक्की अरबी का बीज लिया है। इस लॉकडाउन के दौरान मुझे बहुत ही फायदा हुआ है, इस खातिर मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सालाना 6,000 रुपया जो किसान गरीब किसानों के लिए दिया है वो मुझे मिल चुका है और आगे भी मिलता रहेगा, मैं यही दुआ करता रहूँगा। इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी पैकेज के तहत जिले के गरीब परिवारों को अन्य योजना से 3 माह का मुफ्त राशन मिला है। लाभार्थी मुकेश शर्मा ने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। जिले के अन्य बुजुर्ग धर्मदत्त शर्मा को पैकेज के तहत किसान सम्मान योजना की राशि के अलावा मुफ्त राशन और उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल करवाने के लिए खाते में राशि आई है। प्रधानमंत्री अन्य योजना से 3 महीने का राशन दिया गया, जिसमें चावल गेहूं वगैरह थे, उससे मेरी काफ़ी आर्थिक मदद मिली मुझे। और इस योजना को प्रधानमंत्री जी ने 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है, उससे मुझे बहुत खुशी है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूँ। प्रधानमंत्री जी की तरफ से मेरे लिए बहुत कुछ मिला जी, इसमें जो 3 सिलेंडर मिले जी मुफ्त, बाकी राशन भी मिल रहा है मुफ्त, बाकी बैंक में भी आया 6,000 रुपया। मैं प्रधानमंत्री जी का हार्दिक दिल से शुक्रगुजार हूँ। कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज प्रदेश के जरूरतमंद व गरीब लोगों के लिए लगातार राहत पहुंचा रहा है। डीडी न्यूज़ के लिए सोलन से विनोद कुमार की रिपोर्ट।